मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौरई में भी एक हैवानियत की घटना सामने आई है, जहां पर एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, पर किसी के वहां आ जाने से उसे बच्ची को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उसने बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 7 साल की बच्ची गणेश विसर्जन के लिए पास की नदी पर गई हुई थी, जहां पर सुनसान जगह पाकर आरोपी ने उसे दबोच लिया और पास के खेत में ले गया। आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारने का प्रयास किया, तभी गांव की ही एक लड़की ने बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन ली। हल्ला होने पर आरोपी ने बच्ची को मारने का प्रयास किया और विरोध करने पर उस पर वार करना शुरू किया, जिससे बालिका का जबड़ा टूट गया और उसकी आंख और मुंह पर भी गंभीर चोटें आई है। बालिका को परिजनों ने पुलिस में सूचना देकर चौरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया, जहां से उसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसकी हालत गंभीर होने से उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दिनांक 27 सितंबर को थाना चौरई में चौरई हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना घटित हुई है, जो उपचार हेतु शासकीय अस्पताल माता पिता के साथ में आई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बच्ची व माता पिता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना उनके द्वारा बताई गई थी और अग्रिम उपचार हेतु बच्ची को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। घटना की जो तस्दीक है उसके दौरान एक सुधीर सोनी नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिससे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और घटना की प्रारंभिक कथन तथा चौरई में लिए गए मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस तस्दीक में आए गए कथन के अनुसार इसमें समुचित धाराओं में प्रथम सूचना दर्ज कर ली गई है। प्रारंभिक तौर पर जो बच्ची के कथन दिए गए थे और जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उससे इस प्रकार के किसी तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इस हम पुनः बच्ची के और उसके परिजनों के स्टेटमेंट प्राप्त कर रहे हैं। न्यायालयीन स्टेटमेंट भी कराए जाएंगे और जो भी नवीन तथ्य इसमें विवेचना के दौरान आएंगे समुचित धाराओं का समावेश कर इस प्रकरण में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी धारा अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम और मारपीट की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। ये मैं तो घर पे ही थी सर, ये गणेश जी विसर्जन करने के लिए कुछ बच्चों के साथ ये चली गई, तो ये बोरिंग गई शायद पानी लेने, इसको प्यास लगी तो वो भी इसके पीछे पीछे कैसे गया ये तो मेरे को नहीं मालूम। कौन कौन? वो सुधीर सोनी। कहाँ रहते हैं? ये बच्ची के पीछे पीछे चला गया शायद वो, और इसको बोरिंग से उठा के उसने बीच मक्के में ले जा लिया, खेत के अंदर मक्का लगा है, वहां से इसको शायद पूछा कि कपड़े उतार, तो ये बच्ची ने कही नहीं उतारी, तो उसने इसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद एक लड़की गई वहाँ बोरिंग पानी लेने के लिए, आवाज आई होगी तो इसको छोड़ के और वो भाग गया। इसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई? नहीं। कहाँ कहाँ चोटें आई इसको? इसको गले में है चोटें और ये जबड़ा 3 जगह से टूटा है उसका, और ये आंख में चोट है। कहाँ से रहते, कहाँ रहते हैं? बामनवाड़ा। बच्ची कितने साल की? बच्ची 7 साल की है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।